शुक्र ग्रह और इसमें है बुध ग्रह। इन सब उंगलियों को अपन को तीन तीन बार दबाना है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक एक दो तीन, 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 एक दो तीन। इससे होगा क्या? ऐसे ही सेम टू सेम इससे करना, इससे अपने सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। एक दो तीन, 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 एक दो तीन। इससे ये हुआ कि जो पंडित जी बोलते हैं कि आप इसमें शनि की पहन लो, इसमें वो की पहन लो, तो अपन ने सारे उंगलियों को दबा दिया, तो इससे अपने सारे ग्रह अनुकूल हो गए, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे ग्रह हमारे अनुकूल, तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारी हथेली को ऐसे करना है 9 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस ग्रह दोनों अपने जो हाथ होते हैं, इससे सारे तारा मंडल भी अपने आकर्षित होते हैं, आकाश की शक्ति आपने, तो लेफ्ट हाथ को ऐसे करके 2 बार मुट्ठी से करते हैं, 1, 2। अब सेम टू सेम, 1, 2। इधर पर हमारा तारा मंडल और आकाशीय तत्व होते हैं, इसको 3 बार करना है, 1, 2, 3। अब ऐसे करना है और भगवान से देखना, तुरंत आपके शरीर में एक स्फूर्ति होगी और मन में भगवान का धन्यवाद देना है। अब स्फूर्ति हो गई, अब जो अध्यात्म से जुड़ा है वो, जो अध्यात्म से नहीं जुड़ा है वो, इसमें 3 बार करना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये जो है ये पूरा पीछे के दर्द वर्द सब चले जाएंगे, पीछे के जो भी रीढ़ की हड्डी वगैरह के दर्द होते हैं ये सब इससे ठीक हो जाते हैं। और ये पाताल लोक हैगा, ये ऊपर का लोक है और ये पाताल लोक है, इसमें भी करना है अपन को 3 बार, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। इससे हमारे शरीर के सारे दुख दर्द दूर होंगे। अब ये हमारी, ये जो हमारा है ये हमारी कुल देवी का स्थान है, इसको 3 बार करना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये हमारे वास्तु का स्थान है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें जो ये जो होती है क्रॉस वाली जो चीजें होती है, इसमें ग्रहों की संधियां होती है, जैसे गुरु राहु में केतु आ गया, शनि राहु में ये हो गया, तो हमने ऐसे ऐसे से किया जब 9 बार, तो इससे हमारी वो ग्रह भी बलवान होते हैं। इसके बाद अब हम उनको हाथ को ऐसे पकड़ के भगवान है कि मेरा ये सब चीज अच्छी हो गई है और सांस छोड़ते समय मेरा ये सब चीज चला जाए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी आधीवादी सब चली जाए, जिसने मुझे ये प्रक्रिया बताई है उसका धन्यवाद है, मुझे ये प्रक्रिया के बारे में पता चला है, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके ये सारी चीजें बोलनी है, ऊपर से आकाश से हमारे अंदर एक एनर्जी आ रही है। रीढ़ की हड्डी यदि सीधी नहीं होगी तो एनर्जी हमारे तक नहीं आएगी। 3 मिनट सुबह, 3 मिनट शाम को खाली पेट करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद, और रात में सोते समय करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके 48 दिन तक करना है। फिर आप जो बोलोगे, यानी कि आप राम, और जो बोलोगे वो बात जो सुन रहा होगा वो आपकी सीता बन जाएगा, आपकी हर एक चीज, हर एक दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन ये पूरा विश्वास पे है आधारित, आप विश्वास करोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा।